मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AB Institute में। बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5 की हिंदी के पाठ 12, जिसका नाम है मेरा नया बचपन। इस पाठ के हम प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। बच्चों, इस पाठ का बच्चों जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से खोजकर लिखिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमें कुछ शब्द दिए हैं, इनके अर्थ हमें शब्दकोश में से देखकर लिखना है। तो बच्चों, मैंने पहले से ही इनके अर्थ यहाँ लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप देखकर कर सकते हैं। एक एक करके मैं इन शब्दों के अर्थों को आपको समझा देता हूँ बच्चों। जैसे कि जो पहला हमारा शब्द है बच्चों, वो है मधुर। मधुर का अर्थ होता है बच्चों मीठा। जैसे कि जो शहद होता है वो कैसा होता है, मीठा। तो हम कह सकते हैं कि मधुर वो शहद कैसा है, मीठा है। ठीक है बच्चों, अगला जो शब्द है वो है निर्भय। निर्भय का अर्थ होता है निडर, यानी जिसको डर नहीं लगता उसे हम बोलते हैं निर्भय। ठीक है बच्चों, अगला जो शब्द है वो है अतुलित। अतुलित यानी कि जिसे तोला ना जा सके, जिसकी तुलना नहीं की जा सके बच्चों। ठीक है बच्चों, जैसे कि ईश्वर, ईश्वर कैसा है, अतुलित है, उसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती बच्चों। अगला जो शब्द है बच्चों वो है निष्पाप। निष्पाप का अर्थ है बच्चों पाप रहित, या फिर जो जिसमें पाप ना हो उसे हम क्या कहते हैं, निष्पाप। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो कैसे रहते हैं, पाप रहित रहते हैं, वो निष्पाप रहते हैं, वो पाप के बारे में जानते ही नहीं बच्चों, इसलिए उन्हें निष्पाप भी बोलते हैं छोटे बच्चों को। अगला जो शब्द है बच्चों वो है संताप। संताप का अर्थ है बच्चों कंठ पीड़ा, यानी कि बहुत ज़्यादा दर्द। ठीक है बच्चों, उसे बोलते हैं कंठ पीड़ा, जिस दर्द की वजह से हमारा कंठ या फिर गला भर आए, उस दर्द को हम कंठ पीड़ा बोलते हैं बच्चों। अगला जो शब्द है वो बच्चों वो है प्रफुल्लित। प्रफुल्लित का अर्थ है अति प्रसन्न, जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो उसको बोलते हैं प्रफुल्लित। ठीक है बच्चों, जैसे कि कोई छोटा बच्चा है और वो किसी खिलौने की जिद कर रहा है बच्चों, उसे वो खिलौना मिल जाए तो वो क्या होगा बच्चों, वो छोटा बच्चा प्रफुल्लित हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। अगला जो शब्द है बच्चों वो है मंजुल। मंजुल का अर्थ होता है मनोहर। मनोहर या फिर हम बोल सकते हैं सुंदर। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा सुंदर है या फिर हमारे मन को भा रही है, तो ऐसी चीज़ को, ऐसी वस्तु को हम क्या कहते हैं बच्चों, मनोहर कहते हैं। अगला जो शब्द है, लास्ट शब्द है नव। नव यानी नया। बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे, जो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका जो का नंबर का प्रश्न है बच्चों वो है, इस कविता में कवयित्री किसकी याद कर रही हैं। बच्चों, जो का नंबर प्रश्न का उत्तर होगा, तो कवयित्री इस कविता में अपने बचपन को याद किया है उन्होंने। जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, उन्होंने पूरी कविता में अपने बचपन को ही याद किया है, वो अपने बचपन को ही दोबारा जीना चाहती हैं बच्चों। तो जो का नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों वो इस प्रकार होगा, इस कविता में कवित्री अपने बचपन को याद कर रही हैं। बच्चों, जो खा नंबर का प्रश्न है वो है, कवित्री अपने बचपन को कैसे याद करती थी। बच्चों, जो खा नंबर का प्रश्न का उत्तर होगा, तो जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी, उन्होंने अपने बचपन को अपनी पुत्री के माध्यम से याद किया है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हम इस प्रकार से देंगे, कवित्री अपने बचपन को अपनी पुत्री के माध्यम से याद करती थी। बच्चों, जो गा नंबर का प्रश्न है वो है, सुभद्रा जी का बचपन कब लौट आता है। बच्चों, जो प्रश्न क्रमांक घा है उसका उत्तर इस प्रकार होगा, अपनी बेटी के रूप में सुभद्रा जी का बचपन लौट आता है। बच्चों, जो घा नंबर का प्रश्न है वो है, मेरा नया बचपन कविता का भाव अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों, जो प्रश्न क्रमांक घा है उसका उत्तर इस प्रकार होगा, प्रस्तुत कविता में सुभद्रा जी के भेदभाव से परे रहना, अपनी मस्ती में मस्त रहना, कभी रोना कभी मचलना, कभी खुश होना और सरलता और भोलेपन का वर्णन किया है। अच्छा, जो अड़ा नंबर का प्रश्न है वो है,
कवयित्री की बिटिया क्या खाकर आई थी और क्या खिलाने लाई थी। बच्चों जो 8 नंबर प्रश्न का उत्तर है वो इस प्रकार होगा कि जो कवयित्री की जो बिटिया थी वो मिट्टी खाकर आई थी और अपनी माँ को भी मिट्टी खिलाना चाहती थी। तो आप इस प्रश्न के उत्तर को इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, कवयित्री की बिटिया मिट्टी खाकर आई थी और मिट्टी खिलाने लाई थी। ठीक है बच्चों, आप इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ से देखकर लिख सकते हैं बच्चों। बच्चों अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे जो निम्न प्रकार है, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों, हमें कुछ कविता की पंक्तियाँ दी हैं, उनके आगे की या फिर बीच की कोई पंक्ति छूटी हुई है बच्चों, उस पंक्ति को हमें पूरा करना है। जैसे जो का नंबर की जो पंक्तियाँ हैं वो इस प्रकार हैं बच्चों, चिंता रहित खेलना खाना फिर फिरना निर्भर स्वच्छंद कैसे भूला जा सकता है, इसके आगे की पंक्ति क्या होगी बच्चों वो हम देख लेते हैं। बच्चों हमें जो आगे की पंक्ति लिखना है उसमें उस खाली स्थान में ये आएगा, बचपन का अतुलित आनंद, ये हमें उस खाली स्थान में भरना है, बचपन का अतुलित आनंद। ठीक है बच्चों, जो खा नंबर की पंक्तियां हैं वो इस प्रकार है, वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, और बीच में ये खाली स्थान है। यहाँ बच्चों खाली स्थान में हम भरेंगे, क्या फिर आकर मिटा सकेगा, तो ये हम देख सकते हैं इस जगह पर, क्या फिर आकर मिटा सकेगा, ये हमें खाली स्थान में भरना है बच्चों। बच्चों जो गा नंबर की पंक्तियां हैं वो हैं, मैं भी उसके साथ खेलती, फिर ये हमें खाली स्थान दिया है इस जगह पर। तो बच्चों खाली स्थान में हम लिखेंगे, खाती हूँ तुतलाती हूँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक उस खाली स्थान में हम भर देंगे, खाती हूँ तुतलाती हूँ। तो बच्चों मैंने प्रश्न क्रमांक 3 को यहाँ पर जो खाली स्थान दिए थे उन्हें भरकर आपको बता दिया है, आप यहाँ से भी देखकर उन पंक्तियों को लिख सकते हैं बच्चों। बच्चों अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 4 को हल करेंगे जो कि इस प्रकार है, सही विकल्प छांटकर लिखिए। तो हमें यहाँ पर 2 रिक्त स्थान दिए हैं, ठीक है बच्चों, तो उनमें हमें कुछ ऑप्शन दिए हैं, नीचे 3-3 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से जो सही ऑप्शन होगा उसको हमें इस रिक्त स्थान में लिखना है बच्चों। जो का नंबर का जो रिक्त स्थान है बच्चों वो है, बचपन की किन बातों को नहीं भूला जा सकता, तो इसमें आ जो ऑप्शन है वो है खिलौनों को, बा है बचपन के आनंद को, सा है बड़े बड़े मोती से आंसुओं को, तो इस रिक्त स्थान में बच्चों आएगा बा, बचपन के आनंद को, यानी कि बचपन के आनंद को नहीं भूला जा सकता। ठीक है बच्चों, जो खा नंबर का रिक्त स्थान है बच्चों वो है, कवयित्री अपनी बच्ची को देखकर बच्ची क्यों बन जाती है, तो इस रिक्त स्थान में जो ऑप्शन दिए हैं बच्चों वो है आ नंबर का, बच्ची को छोटे कपड़े पहने हुए देखकर, बा नंबर का है बचपन का आनंद लेने के लिए, सा नंबर का है तुतलाने के लिए, तो इसमें जो आएगा वो सही ऑप्शन है वो है बा नंबर का, बचपन का आनंद लेने के लिए। ठीक है बच्चों, अब हम इस पाठ के भाषा अध्ययन के प्रश्न क्रमांक 1 को करेंगे जो इस प्रकार है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो यहाँ पर कुछ हमें शब्द दिए हैं, उनके हमें शुद्ध उच्चारण करना है बच्चों। जैसे कि पहला जो शब्द है बच्चों वो है तुलित, अतुलित। ठीक है बच्चों, जो दूसरा शब्द है उसका उच्चारण होगा बच्चों प्रफुल्लित, तीसरा जो शब्द है उसका उच्चारण होगा हृदय, चौथा जो शब्द है बच्चों उसका उच्चारण होगा निष्पाप, पांचवा जो शब्द है बच्चों उसका उच्चारण होगा स्वच्छंद, छठा जो शब्द है उसका उच्चारण होगा संताप। बच्चों अब हम इस पाठ के भाषा अध्ययन के प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे जो कि इस प्रकार है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर निम्नलिखित शब्दों में सही जोड़ी बनाइए। तो हमें यहाँ क्या करना है बच्चों, सही जोड़ियाँ बनानी है। तो जो पहला हमारा जो शब्द है वो है मंजुल, मंजुल को हम मिला देंगे मूर्ति से, जो दूसरा शब्द है वो है जय, जय को मिला देंगे हम माला से, तीसरा जो शब्द है वो है प्यारा, प्यारा को हम मिला देंगे जीवन से, जो चौथा शब्द है वो है छोटी, छोटी को मिला देंगे हम कुटिया से,
जो पांचवा जो शब्द है वो है अतुलित। अतुलित को हम मिला देंगे बच्चों आनंद से। बच्चों अब हम इस पाठ के भाषा अध्ययन के प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे जो कि इस प्रकार है। पाठ में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ऐसे शब्दों की सूची बनाइए। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि योजक चिन्ह होता क्या है बच्चों। तो दो शब्दों के बीच में जब ये डैश टाइप का निशान लगा होता है उसे हम योजक चिन्ह बोलते हैं बच्चों। अब है ना, इस पार्ट में जितने शब्द आए हैं उनमें से मैंने कुछ शब्दों को यहाँ पर लिख दिया। जैसे कि एक तो उन्होंने ही बता दिया है माता पिता, दूसरा जो शब्द है वो है बार बार, तीसरा जो शब्द है वो है ऊंच नीच, चौथा जो शब्द है वो है बड़े बड़े। तो बच्चों अब हम इस पार्ट के भाषा अध्ययन के प्रश्न क्रमांक 4 को हल करेंगे जो कि इस प्रकार है। बचपन शब्द में पन प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार तालिका में पन प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। जैसे कि पहला जो शब्द है वो बच दिया है, इसमें हमें पन जोड़कर बचपन बना दिया है। इसी तरीके से और भी हमें इस साइड जो शब्द दिए हैं उनमें पन जोड़कर नए शब्द बनाने हैं बच्चों। जैसे कि लड़क यहाँ दिया है लड़क, तो लड़क में जब हम पन जोड़ेंगे तो यहाँ बन जाएगा लड़कपन। यहाँ दिया है काला, काला में जब हम पन जोड़ेंगे तो यहाँ बन जाएगा कालापन। अगला जो शब्द है बच्चों वो है सीधा, सीधा में तब हम पन जोड़ेंगे तो यहाँ बन जाएगा सीधापन। अगला जो शब्द है बच्चों वो है अपना, अपना में जब हम पन जोड़ेंगे तो यहाँ बन जाएगा अपनापन। ठीक है बच्चों। अगला जो शब्द है वो है पराया, पराया में जब हम पन जोड़ेंगे तब बन जाएगा परायापन। बच्चों मैंने यहाँ प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तरों को लिख दिया है, आप वीडियो को रोककर और यहाँ से उसके उत्तर आराम से लिख सकते हैं। बच्चों अब हम इस पाठ के भाषा अध्ययन के प्रश्न क्रमांक 6 को हल करेंगे जो है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चौखाने में से छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए हैं उनके हमें विलोम शब्द लिखना है। विलोम का अर्थ होता है बच्चों उल्टे शब्द। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं, जैसे कि इन्होंने एक करके दिखा दिया हमें ऊंच, ऊंच का होता है नीच। इसी प्रकार से प्रकाश, प्रकाश का होगा बच्चों अंधकार। ठीक है बच्चों। धर्म, धर्म का होगा अधर्म। अगला है भलाई, भलाई का होगा बुराई। बच्चों पठित, पठित का होगा अपठित। और लास्ट है बच्चों वो है स्वस्थ, स्वस्थ का होगा अस्वस्थ। ठीक है बच्चों मैंने यहाँ प्रश्न क्रमांक 6 के उत्तरों को लिख दिया है, आप यहाँ से देखकर आराम से कर लीजिएगा। बच्चों अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 7 को हल करेंगे जो है नीचे लिखे शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि समानार्थी शब्द क्या होते हैं। ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान लिख ले, यानी कि एक ही लिख ले, उन शब्दों को हम बोलते हैं समानार्थी शब्द बच्चों। जैसे कि इन्होंने दिया है नृप और उसी का समानार्थी होता है राजा, दोनों का अर्थ एक ही होता है बच्चों। नृप और राजा का दोनों का मतलब ही राजा होता है। ठीक है बच्चों। अगला जो शब्द है वो है पथ, पथ का समानार्थी होता है बच्चों रास्ता। अगला जो शब्द है वो है खुशी, खुशी का समानार्थी होता है प्रसन्नता। अगला जो शब्द है मधुर, मधुर का समानार्थी है बच्चों मीठा। अगला जो शब्द है वो है जीवन, जीवन का समानार्थी है जिंदगी। अगला जो शब्द है वन, वन का समानार्थी है जंगल। अगला जो शब्द है फूल, उसका समानार्थी है पुष्प। अगला जो शब्द है प्यारा, उसका समानार्थी है बच्चों प्रिय। प्यारे बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलो बच्चों आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।